रोहतक में 18 अगस्त को महापरिवर्तन रैली को सफल बनाने के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कमर कस ली है। कार्यकर्ताओं को रैली में आमंत्रित करने के लिए हुड्डा भिवानी पहुंचे, जहां हुड्डा ने कार्यकर्ताओं से रैली को सफल बनाने की अपील की। स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन एक साथ होने के कारण बाजारों में खूब रौनक देखने को मिल रही है। बाजारों में राखी के साथ तिरंगे भी खूब बिक रहे हैं। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 15 अगस्त के मद्देनजर बहादुरगढ़ प्रशासन अलर्ट पर है। सुरक्षा को लेकर पुलिस वाहनों की तलाशी ले रही है। पुलिस संदिग्ध लोगों पर भी पैनी नजर बनाए हुए है। बहादुरगढ़ की माधुरी राठी ने नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। विजेता खिलाड़ी का बहादुरगढ़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही राठी के परिजनों में खुशी की लहर भी देखने को मिली। गोहाना में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर है। इसी के मद्देनजर देवीलाल स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल कराई गई। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। गोहाना में हर साल की तरह 15 अगस्त बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। दिल्ली के तुगलकाबाद में संत रविदास के एक मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तोड़े जाने के बाद हंगामा मचा है। पूरे देश के साथ कुरुक्षेत्र में भी इसका विरोध हो रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से कुरुक्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया है। पानीपत की आधुनिकतम जेल कैदियों के लिए तैयार हो चुकी है। नई जेल में दूसरी जेलों से 57 कैदियों को शिफ्ट किया गया है। दिल्ली के तुगलकाबाद में संत रविदास के मंदिर को तोड़े जाने के बाद भारत बंद का ऐलान किया गया। सिरसा में दलित समाज के लोगों ने सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान दलित समाज ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बहादुरगढ़ में बाईपास बनाने की मांग को लेकर किसानों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। किसान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। नारायणगढ़ में नशा तस्करी का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। पुलिस ने 1.5 किलो चरस के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसे कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है।